सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का पहला क्वालिफायर व सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई और चेन्नई की टीम के बीच में चेन्नई के चैपॉक स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला एक ऐतिहासिक मुकाबला है। जो कोई भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह सीधा आईपीएल 2019 के फाइनल में अपनी जगह को पक्की कर लेगी। और अब अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में सबसे पहले टॉस जीतकर चेन्नई की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि यह मुकाबला चेन्नई की टीम के ही गढ़ में खेला जा रहा है। तो सब यह अनुमान लगा रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाएगी, लेकिन दोस्तों लगता है कि इस मैच की शुरुआत से ही आज चेन्नई की टीम की किस्मत उनके साथ नहीं थी। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी के धुआंधार बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस जो की शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वह आज मुंबई की टीम के गेंदबाजों के आगे पूरी तरीके से पस्त हो गए। पारी की शुरुआत के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही फाफ डुप्लेसिस कैच आउट हो गए थे और उनकी 6 रनों की छोटी पारी वहीं समाप्त हो गई, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल ले आए थे सुरेश रैना। और सबको यही उम्मीद थी कि वह आज एक बेहतरीन पारी खेल के दिखाएंगे, लेकिन वह तो चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए और उनकी 5 रनों की पारी वहीं समाप्त हो गई। इसके बाद शेन वॉटसन ने मुरली विजय के साथ मिलकर क्रीज के एक छोर से 2 बड़े चौके लगाए थे, लेकिन फिर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर वह भी कैच आउट हो गए और उनकी पारी भी आज 10 रनों तक ही चल पाई। साथ ही अब इतने विकेट गिरने के बाद चेन्नई की टीम के बल्लेबाजी क्रम को संभाल रहे थे अंबती रायडू व मुरली विजय। इस दौरान मैदान में मुरली विजय ने एक बेहतरीन पारी खेलनी चाहिए, लेकिन वह उस पारी को ज्यादा देर खींच नहीं सके और फिर 26 गेंदों में 26 रन लगाकर मुरली विजय भी कैच आउट हो गए। साथ ही मुरली विजय के कैच आउट होने के बाद अब मैदान पर आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी, जिसके बाद पहले तो महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर आते ही अंबती रायडू के साथ काफी ज्यादा सलाह मशवरा किया और उन्हें बताया कि किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना है। दोनों ही बल्लेबाज इस समय तक अपने आप को क्रीज पर सेट कर चुके थे और अब लगने लगा था कि यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप जुटाएंगे। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में धोनी ने जहां केवल 12 गेंदों में 14 रन बनाए थे, वहीं दूसरी तरफ अंबती रायडू मैदान में अब तक 30 गेंदे खेल चुके थे और उनकी पारी में 32 रन जुड़ गए थे। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद तो मैदान में महेंद्र सिंह धोनी का तूफान एक समय पर कुछ इस कदर आया कि मुंबई की टीम के गेंदबाज गेंदबाजी कराना ही भूल गए थे। आपको बता दें कि मुकाबले के अंतिम पलों में महेंद्र सिंह धोनी को बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत थी और वह इस बात को समझ भी चुके थे। बाद लसित मलिंगा जो की इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करवा रहे थे, उनके द्वारा डाले जा रहे 19वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़कर कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई की इंडियंस की टीम के गेंदबाजों की कमर ही तोड़ कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई और चेन्नई की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में एक वाक्य ऐसा भी हो गया था जब एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर अंपायर की गलती पर बुरी तरीके से भड़कते हुए दिखे। दोस्तों यह पूरा वाक्य जब चेन्नई की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और उस समय पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी। आपको बता दें कि 20वें ओवर की पहली गेंद को जसप्रीत बुमराह ने इतनी तेज तर्रार डिलीवरी में तब्दील कर दिया कि जैसे ही धोनी ने उस पर शॉट खेला उनका बल्ला ही छूट गया और फिर वह कैच आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे वाक्य के बाद महेंद्र सिंह धोनी अंपायर पर काफी ज्यादा भड़कते हुए दिखे। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए भी देख सकते थे कि जसप्रीत बुमराह का पैर कितना ज्यादा आगे पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह के इतनी बड़ी नो बॉल डालने के बाद अंबती रायडू ने भी धोनी से उनसे अंपायर से रिव्यू मांगने की गुजारिश करी, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी अंपायर पर खासा गुस्सा होते दिखे, क्योंकि जब यह एक नो बॉल थी तो अंपायर ने आखिरकार नो बॉल क्यों नहीं दी। और अगर शायद धोनी गुस्सा नहीं करते तो अंपायर थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला नहीं लेते, जिसके कारण धोनी को अपना विकेट गवाना पड़ जाता। साथ ही दोस्तों धोनी को इस कदर गुस्सा होता हुआ देख अंपायर ने उनकी बात मानी और फिर थर्ड अंपायर के पास चले गए, जिसके बाद इस गेंद को नो बॉल ही करार दिया गया। दोस्तों इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बल्लेबाजी करनी तो शुरू कर दी, लेकिन आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब इस बार के आईपीएल के सीजन में धोनी अंपायर पर कुछ इस कदर भड़कते हुए दिखे। ऐसा काफी कम होता है जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा शांत खिलाड़ी अंपायर या फिर किसी और खिलाड़ी पर भड़कते हुए देखा जा सके, लेकिन आपको बता दें कि इस बार के आईपीएल के सीजन में अंपायरिंग इतनी ज्यादा खराब हुई है कि अक्सर खिलाड़ियों को अंपायर पर भड़कते हुए देखा गया। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, धोनी का इस कदर अंपायर पर गुस्सा करना जायज था या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।